हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। बिना परख आप नहीं बनते, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और एक समय आता है जब परमेश्वर आपकी परख भी करता है कि आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं या फिर अपनी आशीष चंगाई से प्यार करते हैं। लेकिन जब आप परख के दिनों में भी परमेश्वर में बने रहते हैं तो आप अगले स्तर पर जाते हैं और आप वो बनते हैं जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। बाइबल में जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपना घर परिवार और रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ, और अब्राहम ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने उसको बोला था। फिर परमेश्वर ने 25 साल के बाद उसको वो बेटा दिया जिसका परमेश्वर ने वायदा किया था। और जब उसका बेटा 12-13 साल का हुआ तो परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने बेटे को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे, जबकि परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता। लेकिन परमेश्वर ने उसको परखने के लिए ऐसा बोला। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को ये बोला तो वह अपनी पत्नी को बिना बताए अपने बेटे को होम बलि करने को चला गया। और जब उसने उस जगह पर जहां उसने अपने बेटे को बलि करना था रख लिया और उसे बलि करने लगा, तब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम रुक जा, आज मैं जान गया हूं कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत साल परखा और फिर उसको बोला कि मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे सचमुच प्यार करता है। जरा सोचें, अब्राहम परमेश्वर को बोल सकता था कि जब मैं अपने घर परिवार को छोड़कर बिना किसी शक के तेरे पीछे हो लिया था, जब 25 साल तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ और मैं फिर भी तेरे साथ चलता रहा, तो क्या उस समय तुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि चुपचाप परमेश्वर के वचनों पर चलता रहा और अपनी परख में खरा निकला। और जब परमेश्वर ने अपना वायदा उसके जीवन में पूरा किया कि मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान कर दूंगा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी उसी के वंश में से हुआ और इसीलिए अब्राहम को विश्वासियों का पिता बोला जाता है। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कुछ साल उनके जीवन में परमेश्वर काम ना करे या उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले तो वे निराश होकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, इसीलिए वे अपनी आशीषों को नहीं ले पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अब्राहम जैसे अपने परख में सही निकला और हर एक हालात में परमेश्वर में बना रहा, वैसे ही आप भी अपने मुश्किल हालातों में परमेश्वर के वचनों में बने रहें। तब परमेश्वर आपको भी अब्राहम की तरह आशीषित करेगा और फिर आप वही बनेंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।